राइट, चलिए जी, चलिए, सभी के पास नोट्स आ गए हैं, जिनके पास अभी नहीं आया एक सेट आ ही रहा है बेटा। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विथ टुडे सेशन, एक अच्छी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। टुडे मार्क्स एग्जैक्टली 11 इयर्स टू माय सीए इंटर रिजल्ट। थैंक यू। सो आई रियली होप कि जिस तरीके का मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट था एंड ऑब्वियसली रैंक वैंक आया था, बहुत खुशी थी। आई होप आज के एक साल बाद इस बैच में वही एक रिजल्ट आए और आप लोगों के लिए भी, जैसे मेरे लिए एक दिन चेरिशेबल बना हुआ है, आप लोगों के लिए भी सालों साल तक आपके लिए एक मेमोरेबल डे रही। सो लेट्स होप फॉर दैट। चलिए जी, अब जिन बच्चों ने पिछली क्लास लगाई या जिन बच्चों ने नहीं भी लगाई, एक बड़ा ही हमने एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक पिक किया हुआ है, नेमली सर्विस कॉस्ट। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अपने कॉस्ट आइडेंटिफाई करती है, दिस इज व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस कॉस्ट एस्टैब्लिशिंग द सेलिंग प्राइस बोल दीजिए या रेवेन्यू बोल दीजिए। हमने स्पेसिफिकली केस पिकअप किया था बसेस की कॉस्टिंग का। तो बसेस के लिए उनका सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो भी वो पैसेंजर से फेयर चार्ज करेंगे, तो मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है, फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। नाउ जब हमको ये फेयर कैलकुलेशन करनी है, वी हैव टू कंप्यूट समथिंग कॉल्ड पैसेंजर किलोमीटर। क्यों हमको एक पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है, व्हाट इज पैसेंजर किलोमीटर? जैसे हम आउट किसी टैंजिबल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए हम उसके यूनिट्स देखते हैं ना, कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं, एस्टिमेटेड आउटपुट। ऐसे बसेस का आउटपुट है वो कैसे मेजर किया जाता है, पैसेंजर किलोमीटर में। और पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट कैसे होते हैं, सिंपली नाम से ही पता होता है, नंबर ऑफ पैसेंजर इंटू किलोमीटर रन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में दिया गया था, जिसमें आपको एब्सोल्यूट एज वेल एज सिंपल कैलकुलेट करना था। जी ट्राई किया जिन्होंने, उनका आंसर मैच कर रहे हैं, ग्रुप में पीडीएफ फाइल आपकी शेयर हो चुकी है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मेनली अब हम एक क्वेश्चन टेकअप करेंगे, जिससे हमको ये चीज और पक्की हो जाएगी। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर सभी लोग आ जाएं कृपया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब तक आपके घरों तक आपकी बुक नहीं पहुंचती है, आप लोग इस सर्विस कॉस्टिंग पीडीएफ का प्रिंटआउट निकाल कर रख लीजिए, हार्ड कॉपी अपने पास हैंडी रख, दैट विल बी हेल्पफुल। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। मिस्टर एक्स ओन्स अ बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्केड्यूल, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे, डिस्टेंस कवर्ड है 250 किलोमीटर वन वे, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ इज 8 एंड सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड इज 90%। दिल्ली टू आगरा एंड बैक द सेम डे, डिटेल्स उसकी भी दे दी कि कितना वन वे डिस्टेंस है, महीने में कितने दिन ऐसा चलेगी, सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड, दिल्ली टू जयपुर एंड बैक की भी डिटेल्स दे दी। फॉलोइंग आर दी अदर डिटेल्स, कॉस्ट ऑफ बस, सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ कंडक्टर, सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट, इंश्योरेंस ऑफ बस, डीजल कंजम्पशन 4 किलोमीटर पर लीटर एट सो एंड सो, रोड टैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल, परमिट फी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ बस एंड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ बस, काफी सारी डिटेल्स दे दी। पैसेंजर टैक्स इज 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स। जी टेकिंग्स क्या होता है, एग्जैक्टली रेवेन्यू ना बोले, इसको बोले कलेक्शन। लास्ट क्लास में रेवेन्यू आपने सिंप्लिसिटी पर्पज के लिए बोला था, कलेक्शन। अब उसी कलेक्शन का 20% तो पैसेंजर टैक्स ही होगा। टैक्स है मतलब क्या करना है, बस एजेंसी को पैसेंजर से लेना है और सरकार को जमा कराना है। ठीक है जी, ये बात हो जाएगी। फिर कैलकुलेट बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टोटल टेकिंग्स, द फेयर्स आर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर फॉर द जर्नीज दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा एंड दिल्ली टू जयपुर। जब भी हम क्वेश्चन इतना बड़ा पढ़ते हैं, हमेशा फोकस कीजिए क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे मांग रहा है बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, और उसने एडिशनली बोला है
कि बस फेयर जो इंडिकेट करोगे ना वो दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा और दिल्ली टू जयपुर का सेपरेटली इंडिकेट करोगे कि पैसेंजर से कितना रिकवर करना है। जी जब भी हम फेयर कैलकुलेशन पर आते हैं हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, सबसे पहले कि हम पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। जब भी क्वेश्चन का साइज देख के डरना नहीं होता, सिंपली हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी है। अपनी तरफ से हम खर्चों को क्लासिफाई करेंगे इन दी फिक्स्ड हेडिंग, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट में एडजस्टमेंट कर करके हम अपने कलेक्शन यानी कि टेकिंग्स पर पहुंचेंगे और फिर टेकिंग से हम अपना फाइनल आंसर दे देंगे कि एक पैसेंजर से कितने की हमको टिकट काटनी है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जी, बात समझ में आई? तो हमको क्वेश्चन की दोबारा से यहाँ पर रीड लेने की जरूरत नहीं है खास, हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन सामने आया, पहले आप एस्टैब्लिश करेंगे वर्किंग नोट्स में, दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, पहले आप एस्टैब्लिश करेंगे अपने वर्किंग नोट्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्यों चाहिए मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल्ड? डीजल की कॉस्ट के लिए, ये डिस्टेंस ट्रेवल पर डिपेंडेंट है। एंड ऑल्सो जो मेरी फाइनल रिक्वायरमेंट है उसका आंसर देने के लिए मुझे पैसेंजर किलोमीटर भी रिक्वायर्ड रहेंगे। आइए पहले हम ये वाली डिटेल्स फिगर आउट करते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। सेपरेटली निकालनी है, लास्ट में टोटल करना है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एक बनेगी कॉमन। इट इज नॉट दैट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट दिल्ली टू चंडीगढ़ के लिए अलग बनेगी और आगरा के लिए अलग बनेगी, जयपुर के लिए अलग बनेगी, ऐसा मैं कैसे कह सकती हूँ बताओ? एक ही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्यों बनेगी, ऐसा मैं कैसे कह सकती हूँ? अब कैसे बांटोगे कि बस की तो बस तो एक ही है ना, वो ये अलग अलग रस्तों पर जा रही है, मैं डेप्रिसिएशन तीनों रूट्स में कैसे बांटू? या मेरे पास और भी कॉमन खर्चा है, ड्राइवर है उसकी सैलरी में कैसे बांटूंगी, या परमिट फी है, या कुछ भी है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, हम अलग अलग कॉलम्स में कैसे लिखेंगे? सो देयर इज, हमको कॉमन बेसिस पर ही काम करना है। इट इज जस्ट दैट वर्किंग नोट में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पहले अलग अलग से निकलेगा तीनों लेग ऑफ जर्नीज का, फिर बाद में उसको हम टोटल करते हैं। ठीक है, एक बार काम स्टार्ट करते हैं, देखना जरा कैसे। जी वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हाँ जी मंथली बेसिस पे काम कर ले। चलो तो हमारी जर्नी कौन सी है, सबसे पहले दिल्ली टू चंडीगढ़, ठीक, उसका वन वे डिस्टेंस क्या है, 250 किलोमीटर। साइड्स कितनी है, आना और जाना है, तो एक राउंड ट्रिप में 500 किलोमीटर हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो, ऐसा महीने में कितने दिन, नंबर ऑफ डेज, एट। तो एक दिन में एक चक्कर लगाती है, ऑब्वियसली महीने में आठ चक्कर लगाएगी, दैट्स इट, ये आपका डिस्टेंस आ गया मल्टीप्लाई करके सब कुछ, ये आ रहा है दिल्ली टू चंडीगढ़ का फोर्थ हाउस। ऐसे बिकॉज एंड बैक भी लिखा है ना बगल में, एंड बैक दी सेम डे, दिल्ली टू आगरा 210 वन वे है, वापस भी आएगी तो इंटू टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा महीने में 10 बारी कितना आ गया, 4200, बहुत बढ़िया। देन दिल्ली टू जयपुर 270 इंटू टू इंटू सिक्स, बताइए 3240 मानिक लिख के कर रहे हैं ना, 11440, ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन वन मंथ, ये जो हमारे पास कैलकुलेट हुआ है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस फॉर दी मंथ। चलो जी एक तो हमारा ये वर्किंग नोट हो गया, राइटिंग सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर टू, क्या कैलकुलेट करना है, पैसेंजर किलोमीटर। इसमें कॉलम्स जो है आपके थोड़े से ज्यादा बनेंगे, जर्नी, क्योंकि इसमें किलोमीटर भी देखना है पैसेंजर्स भी देखना है, जर्नी वन वे डिस्टेंस,
ठीक है जी, वन वे डिस्टेंस है तो ऑटोमेटिकली साइड्स भी लिखनी पड़ेंगी, फिर नंबर ऑफ डेज और फिर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी एंड देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है, ये आपका आएगा पैसेंजर किलोमीटर। थोड़ा सा ये ब्रॉड स्टेटमेंट है, देख लीजिए कैसे मैनेज करना है आपको। पैसेंजर या सीटिंग कैपेसिटी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में से ही देखते हुए, हाँ जी, दिल्ली टू चंडीगढ़ की क्या क्या डिटेल अवेलेबल है, 250 किलोमीटर वन वे इनटू टू साइड्स, नंबर ऑफ डेज कितनी बार है 8, सीटिंग कैपेसिटी यूटिलाइज्ड 90%, बाय द वे टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 50%, ये कहाँ मिल रहा है हमको क्वेश्चन में, बिल्कुल जो लास्ट वाला पैरा है उसके ऊपर, ये रहा सीटिंग कैपेसिटी, सभी को मिल गया सीटिंग कैपेसिटी। ठीक है जी, चलो मल्टीप्लाई करो, 1,80,000। सिमिलर लाइंस पर आप दिल्ली टू आगरा एंड दिल्ली टू जयपुर की डिटेल्स फिगर आउट कर लीजिए। ओके हाँ जी, कितना बताया, 5,20,000, 5,20,000, 5,00,000, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, वो एवरेज है, एवरेज है। देखो प्रैक्टिकली क्या जाते वक्त सेम पैसेंजर्स है, आते वक्त सेम पैसेंजर्स है, ऐसा तो नहीं है ना, हमने वो एवरेज आउट किया हुआ है 85%। अब आप सोचो क्या पॉसिबल है, आधा बंदा टांगे अपने घर पे छोड़ा है वो। हाँ जी, डन हो गया। सो दिस इज पैसेंजर किलोमीटर फॉर वन मंथ। चलिए अब हमारा मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। कॉस्ट शीट नाम दे दो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट नाम दे दो, एंड अगर मेरे वर्किंग नोट्स बने हैं मंथली बेसिस पर, यानी कि यहाँ पर सारे खर्चे भी रिकॉर्ड होंगे मंथली बेसिस पर। स्टार्ट करते हैं जी, बहुत बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन का ध्यान रखो। थोड़े दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो हमारी पिछले बैच की स्कॉलर है श्रुति गोयल, शी अचीव 98 इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द रीजन फॉर हर अचीवमेंट इज उनकी प्रेजेंटेशन। एक एक वर्किंग, मतलब डेप्रिसिएशन अगर ये लिखनी है ना कि 10,00,000 × 20%, तो वो बच्ची ने ब्रैकेट में लिख के बताया हुआ है 10,00,000 × 20%, और वही प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को चाहिए होती है। ठीक है, तो ये नहीं कहना मैम कैलकुलेट हो गया था मन में, मन थोड़ी ना जा रहा एग्जामिनर पे, राइट। चलिए, हाँ जी, सबसे पहले कौन सी कॉस्ट आइडेंटिफाई हो रही है, नहीं फिक्स्ड कॉस्ट में क्या नाम, क्या आइटम, कॉस्ट ऑफ बस तो कैपिटलाइज्ड है ना, हाँ कॉस्ट ऑफ बस कैपिटलाइज्ड है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है, वो डेप्रिसिएशन की डिटेल आगे अवेलेबल है तो हम उस बाद में रखते हैं। सैलरी ऑफ ड्राइवर कौन सी हेडिंग में, फिक्स्ड कॉस्ट में, सैलरी ऑफ ड्राइवर मेरे साथ साथ लिखो, 24,000। चलो जी, मंथ की गिवन है, हमको मंथ की चाहिए थी। सैलरी ऑफ कंडक्टर ये भी फिक्स्ड में आएगा जी, 21,000। फिर सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट, इंश्योरेंस जो आपको गिवन है वो एनम का गिवन है, एनुअल, उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे कितना आ गया 400। तो ये छोटी सी डिटेल भी लिखकर बतानी है जी। इसके बाद डीजल कंजम्पशन, कौन सा खर्चा है ये, वेरिएबल है। आपने क्या किया, फिक्स्ड में इसके बाद कौन कौन से आइटम आएगी, रोड टैक्स आएगा, परमिट भी आएगी और डेप्रिसिएशन। आप
पांच छह लाइनों की जगह छोड़ दो, पांच छह लाइनों की जगह छोड़ो और इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग स्टार्ट करो। वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जी, परमिट फिर फिक्स में आएगी, हाँ जी, अभी हम डीजल देख रहे हैं, हम क्वेश्चन की सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं। डीजल, हाँ जी, 4 किलोमीटर पर लीटर एट 56 पर लीटर, हम बोलते हैं ना हमारे व्हीकल्स इतनी एवरेज देते हैं, तो 1 लीटर की एवरेज दे रहे हैं 4 किलोमीटर, बस की ये एवरेज है, तो कितने लीटर्स लगेंगे पहले तो ये बताओ। बेसिकली आपने डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट किया हुआ 11440, तो अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ये करना है, 1 लीटर में 4 किलोमीटर की एवरेज आती है, तो कितने लीटर रिक्वायर्ड है? 2860, और 1 लीटर की कॉस्ट है 56, आपके पास डीजल कॉस्ट का आंसर है 160, 160, सभी को क्लियर है डीजल कॉस्ट की कैलकुलेशन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रोड टैक्स, ये कौन सी हेडिंग में आएगा? फिक्स्ड। फिक्स्ड में गए, अभी वो अमाउंट देख लीजिए 160, 160, रोड टैक्स 15915 डिवाइडेड बाय 12 करके राउंड ऑफ करके बता दीजिए 1326। ओके, देन लुब्रिकेंट ऑयल कहाँ जाएगा? वेरिएबल, ये किलोमीटर रन के हिसाब से दिखाई दे रहा है, 10 per 100 into 11440, यानी कि ये आ गया 1144। चलिए नेक्स्ट, परमिट फी, परमिट फी 1144। कोई दिक्कत आ रही है बच्चे आरटी बैक, कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है क्या? अच्छा ये देखिए, यहाँ पर आप काफी सारे बच्चे हैं, होता क्या है कि मेरे को एक आवाज सुनाई देती है कोई न्यूमेरिकल फिगर की, मैं लिख देती हूँ, तो बाकी बच्चे सोचते हैं हाँ ठीक ही बोला होगा इसने, चलो चलो आगे बढ़ो, वेरीफाई करते रहे, जहां पे गलती है टोक देना, पता चले हम पूरा क्वेश्चन पैक करके बैठे हो या फिर पता चल रहा ओहो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, फिर ठीक नहीं होगा, बताते रहना अगर कोई गलती हो रही है कैलकुलेशन वाली किसी से भी। नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये ऑलरेडी मंथ के हिसाब से हमको गिवन है। ओके, 1000, बस एक और खर्चा रह गया जी, डेप्रिसिएशन, कहां पर आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। एक बारी मैं लिख लूं फिर अगर किसी का कुछ ऊपर नीचे स्किप हो गया हो तो कर देंगे स्क्रोल। हाँ जी, 20% पर एनम है, किसका परसेंट है ये? बस की कॉस्ट का, 12 लाख का, बट ये पर एनम डेप्रिसिएशन है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 20। लो जी, इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो एक तो पैसेंजर टैक्स की इंफॉर्मेशन है और एक प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, एंड बोथ ऑफ दीज अमाउंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन टोटल टेकिंग्स। तो हमको क्या करना है, अभी हमने जो जो कॉस्ट लिख लिया है ना उसको आप पैक कर लीजिए, टोटल्स लगाइए, फिक्स कॉस्ट के टोटल की वैल्यू बता दीजिए मुझे। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट नाम दीजिए ए, ठीक है, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट नाम दीजिए बी, कैलकुलेशन करें तो कृपया कैलकुलेटर पे ही करें, भूल जाएं कि आप मैथ्स जीनियस रह चुके हैं बचपन में, किसी के 100 में से 100 भी आते थे रहने दो भाई, कैलकुलेटर यूज करो। 1000, ये तो मेरे को भी पता था,
मैथ्स वीक है मैम। नहीं नहीं मेरे से ज्यादा वीक मैथ्स किसी की नहीं हो सकती। चलो जी टोटल कॉस्ट बता दो, ए प्लस बी प्लस सी, टू थ्री फोर सी फोर फाइव। हाँ ये बिल्कुल ठीक फिगर है। हाँ जी किसी के पास ये टोटल कॉस्ट की फिगर नहीं आ रही है वो बताएं, किसी का कुछ नोट डाउन करना रह गया ऊपर नीचे स्क्रॉल करना बता दीजिए। नोट ठीक है। अब जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं लगाई वो थोड़ी पेशेंस रखे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हम काम क्या कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, एक लगता है जी पैसेंजर टैक्स, ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे पैसेंजर टैक्स, और ये है 20% ऑफ टेकिंग्स, ओके। और एक बिजनेस को प्रॉफिट भी कमाना है, इसी में ऐड करेंगे, विच इज 30% ऑफ टेकिंग्स। तो हमारे पास आएंगी यहां पर एडजस्टमेंट करके टेकिंग्स। नाउ हाउ टू गो अबाउट दिस, 2, 3, 4, 3, 4, 5 को डिवाइड करेंगे 50 से 200। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या तो आप वैसे वाला काम कर लो, लेट टेकिंग्स बी एक्स, तो पैसेंजर टैक्स कितना हो जाएगा 0.2x, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 0.3x। हम इक्वेशन बना देंगे, कॉस्ट प्लस पैसेंजर टैक्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टेकिंग्स, x के लिए सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा बच्चों वाला काम है जी, अब आप लोग बड़े हो गए हो, टेकिंग्स को यहाँ पे छोटा सा लिख लो 100, जो चीज गायब है जिसके ऊपर सारी कहानी अब डिपेंड हो रही है 100। प्रॉफिट कितना हुआ 30, पैसेंजर टैक्स कितना हुआ 20, तो पता चल गया कॉस्ट 50 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो आप वर्किंग क्या करेंगे कि अगर 2, 3, 4, 3, 4, 5 50 है तो 100 क्या है जी, टेकिंग्स क्या है 4, 6, 8, 6, 9, 0। बिल्कुल ठीक है, बात तो वही है। अगर आप एक्स अज्यूम करके काम करेंगे तो भी बात तो वही है। देख लीजिए एक्स वगैरह लेकर काम करना है, टेक योर ओन टाइम, मैं मना नहीं करूंगी। पैसेंजर टैक्स की वैल्यू से क्या आ जाएगी, चलिए आप कीजिए, मैं अभी करती हूँ जी, मैं एक सेकंड में आ रही हूँ। कैलकुलेशन को लेकर लड़ाई हो रही है क्या, क्या हो रही है, मुझे फिगर्स बताइए। पैसेंजर टैक्स की 9, 3 ओके 1, 6। हाँ जी सभी के पास ये फिगर देख लीजिए आ गई है। एंड हमने सॉल्व कैसे किया टेकिंग्स को लेकर, अगर किसी को डाउट है कृपया हेजिटेशन ना रखे बता दीजिए, करके बताइए लेट टेकिंग्स इज इक्वल टू एक्स वाला केस, पक्का श्योर डन ओके। अब क्वेश्चन ने हमसे टेकिंग्स नहीं पूछा जी, क्वेश्चन ने पूछा क्या है पैसेंजर से बस फेयर कितना चार्ज करना है। जब आपको ये रिक्वायरमेंट आंसर करनी है आपको सबसे पहले बताना है कि फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कितना है, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कितना है। एक सेकेंड, हाँ जी हमारे पास पैसेंजर किलोमीटर कितने थे, ठीक है जी जीरो
4686 राइट, तो ये आप मुझे बता रहे हैं 0.9 आगे 9 के बाद क्या है 0046 चलेगा। 4 डेसिमल प्लेसेस तक अगर मुझे चाहिए ये तो ऐसा कुछ yes, अगर आप 0.9 भी लिख के छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं है। अब इसका क्या मतलब है फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर का? देखिए न्यूमरेटर में तो हमने लिखा कि हमको कितना टारगेट कलेक्शंस करनी है, राइट, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। हमने इसको पैसेंजर किलोमीटर से क्यों डिवाइड किया मुझे ये बताइए। नहीं, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर डिनोट क्या करता है? एक पैसेंजर से एक किलोमीटर का कितना फेयर चार्ज करना है, ये बात क्लियर हो गई जी। अब इन्होंने पूछा जी फेयर बताओ दिल्ली टू चंडीगढ़ के लिए एक पैसेंजर से कितना लेना है, जर्नी एंड देन फेयर टू बी चार्ज्ड। हाँ जी, दिल्ली टू चंडीगढ़ डिस्टेंस कितना है? 250। तो अगर एक पैसेंजर से एक किलोमीटर का 0.9 चार्ज करना है तो उसी एक पैसेंजर से 250 किलोमीटर का कितना चार्ज करना है? 225। आगे पॉइंट से कोई बात नहीं, राउंड ऑफ करके 225 ही आ रहा है। अगर ये फिगर ऐसी होती ना 0.9143 ऐसे, तो मैं ये कंसिडर करती 0.9143 बिकॉज एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम बोलते हैं एनीथिंग विच हैज टू बी मल्टीप्लाइड आगे जाकर वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक इन दी फर्स्ट प्लेस निकाल लो। इधर तो ये 0.9005 है ना, बीच में 00 आ गया, इसलिए मैं ज्यादा सीरियसली ले नहीं रही हूँ 4 डेसिमल पॉइंट्स का। देखिए पैसेंजर है, जरूरी नहीं है कि वो जाएगा तो आएगा भी सही, हो सकता है ना, पता नहीं वापिस आने वाला मुसाफिर है कि नहीं है। गाना है ना, मुसाफिर जाने वाले फिर नहीं आने वाले। चलो देन दिल्ली टू आगरा, ये रियलिस्टिक फेयर है भी सही। मैंने बसेस में काफी टाइम से ट्रैवल नहीं किया। चलो जो नॉर्मल हमारी पैसेंजर बसेस होती है उसका तो हो सकता है शायद इतना, है ना, जो जगह जगह बीच बीच में रुक के जाती है। बच्चे एक सेकेंड ही जीत तो कर रहे बहुत ज्यादा। हाँ जी ये बता दीजिए 243। ठीक है, डन। विद दिस हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है रैप अप, राइट। अब बताइए दिक्कत कोई लग रही है इस तरीके के क्वेश्चन में? हाँ जी, 75/5 पर अलग अलग के जी, तो डिवाइड बाय 180 क्यों? ये खर्चा जो है क्या सिर्फ दिल्ली टू जयपुर का ही है? नहीं, अलग अलग मतलब तीनों का अलग अलग निकल जाएगा। वो ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन दी फर्स्ट प्लेस फेयर भी अलग अलग ही निकालते हैं न्यूमरेटर वाला, आप ये कह रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हम अलग अलग कॉलम्स में बना ही नहीं सकते थे कि मैं ये बोल दूं दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू जयपुर एंड दिल्ली टू आगरा। ये स्टेटमेंट तीनों बनाना पॉसिबल नहीं था, रीजन बीइंग काफी ऐसे खर्चे हैं जो कि हम डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाएंगे अलग अलग लेग ऑफ जर्नीज में, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कैसे बांट दूं यहाँ पर अभी के लिए? वो तो हमने डिफरेंट निकाले ही हुए हैं। हाँ जी, पे अगर डिवाइड बाय 180 करते हैं तो तीनों का अलग अलग एवरेज आ रहा है। आप किसको डिवाइड बाय 180 कराना चाह रहे हैं? टोटल कॉस्ट, वही तो मैं कह रही हूँ, जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट फॉर ऑल थ्री जर्नीज है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ वाले पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करके ठीक नहीं होगा। या तो कॉस्ट भी न्यूमरेटर में स्पेसिफिक जर्नी की ले लीजिए, अगर मेरे न्यूमरेटर में कॉस्ट टोटल है तो डिनोमिनेटर में पैसेंजर किलोमीटर भी टोटल ही रहेगा, राइट। एनी अदर डाउट इन दिस क्वेश्चन? जो आज पहली बार यहाँ पर क्लास लगा रहे हैं
आई वुड एक्सपेक्ट 20-30% समझ में आया. कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने आज पहली बार क्लास में गए, प्लीज रेज योर हैंड्स. थोड़ी थोड़ी चीज समझ में आ रही है. एटलीस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी आ रही है. फॉरगेट अबाउट पैसेंजर किलोमीटर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी आ रही है. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. ऑल राइट. अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड अहेड, आप सभी जानते हैं कि कल ही कॉन्फर्मेशन आ गई है कि आप लोगों के लिए एग्जिस्टिंग सिलेबस ही अप्लाई करेगा. तो नाउ इट इज द राइट टाइम टू डिस्कस व्हाट आर पेपर लुक्स लाइक. यूजली मैं ये फर्स्ट क्लास में बताती हूँ, बट मैं रुकी हुई थी अभी तक. एक बारी वेरी ब्रीफली डिस्कस करते हैं हमारा पेपर पैटर्न होता क्या है. देखिए जी, क्वेश्चन नंबर वन सभी जानते हैं कंपल्सरी होता है. इट हैज फोर क्वेश्चंस ऑफ 5 marks ईच, और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 and 6, ये कितने क्वेश्चंस हो गए? 5. इन 5 में से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं. और सभी की वेटेज 20 marks की है, तो टोटल हो गया जी 100 number का पेपर. ठीक है. अब जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, प्योर थ्योरी. और बाकी 4 में देखिए, जो 20 marks का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बनता, इट कुड बी 10 marks का प्रैक्टिकल विथ 10 marks का प्रैक्टिकल, इट कुड बी 5 marks का प्रैक्टिकल प्लस 5 marks का प्रैक्टिकल प्लस 10 marks का प्रैक्टिकल. बीच बीच में किसी अटेम्प्ट में आईसीआर ये हरकत भी कर सकता है, 5 marks की थ्योरी, 5 marks का प्रैक्टिकल, 10 marks का प्रैक्टिकल. थ्योरी बीच में 4 number की 5 number की डाल सकते हैं. और ये 5-5 भी नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है 6+4+10. तो वो जो 20 marks है ना, उसमें ब्रेकअप कुछ भी चल सकता है. बट एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की वेटेज 10 marks से एक्सीड नहीं कर रही है. 10 marks का एक क्वेश्चन बन सकता है, उसके बियॉन्ड 12 number का या 16 number का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज तक देखा नहीं हुआ है, जब से आपका यह सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में. तो अगर हम बोले तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी कभार 4 marks का भी आ जाता है इन क्वेश्चंस में, कभी 6 marks का भी आ जाता है, कभी 5 marks का भी आ जाता है. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 marks के तो काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मिलेंगे, और यहाँ पे 5 marks का ही है. राइट. अब हम आपको जब टेस्ट होते हैं या कभी हम कोई प्रैक्टिस सेशन या रिविजन सेशन भी लगाएंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट पे तब हम बात करेंगे. फिलहाल जब क्लासेस चलती है, हम अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बात करते हैं, हम एक्यूरेसी पे बात करते हैं. हम इतना भी टाइम को बॉदर नहीं करते कि मैं अभी से आपको बोल दूं हाँ जी ऐसा क्वेश्चन 10 number का बन सकता है, अभी मेरे को फटाफट से फटाफट 15 minutes में करके बताओ. ये बात तब होगी जब आपको चीजें आती होंगी, बस आपकी प्रैक्टिस सेशन चल रही होंगे. ठीक है जी. बट दिस इज हाउ योर पेपर लुक्स लाइक. आपकी जो बुक्स छपने जा चुकी है, उन बुक्स में नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर एट द बैक अटैच रहेगा एज इट इज, जो आईसीआई की वेबसाइट में है. हम टाइम टू टाइम उसको भी टेकअप करते रहेंगे, और टाइम टू टाइम उसके भी पहले जो पेपर्स आए हैं उनकी भी कुछ ना कुछ डिस्कशन हमारी चलती रहेगी. तो जब आप एक कोई चैप्टर कवर करेंगे, साथ के साथ आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन का लेवल क्या है, और कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है. आपको रियलाइज होगा यार, एक बारी मैम की बुक ही अच्छे से हाथ से 2 बारी निकाल लोगे ना, पेपर हमें आता होगा काफी. हैविंग सेड दैट, मैं अभी से बोल रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, मेंटली प्रिपेयर होके चलना. 20-30 number का पेपर ऐसा भी होगा जिसके साथ शायद आपका कंफर्ट लेवल नहीं बनेगा. उसको हम बोलते हैं हाई क्वालिटी क्वेश्चंस. हाई क्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि वो क्लास में कभी डिस्कस नहीं होंगे, वो ही होंगे, बट वन ऑफ इट्स काइंड क्वेश्चन होगा जिसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, या ऐसा भी कुछ होगा. आप कर तो पाएंगे बट शायद इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा. स्टिल सभी में पोटेंशियल है 100 number लेने का. बस स्टार्टिंग से ही अपनी मेहनत अच्छे से करते चलो, प्रैक्टिस होनी चाहिए. अगर आपकी क्लास में ये हैबिट है कि ऊपर से उड़ा उड़ा के, हाँ मैम जो बोल रही है समझ में आ गया, चलो लिखने की क्या जरूरत है, अगर क्लास में ये हैबिट है तो नेचुरली प्रैक्टिस में हैबिट आएगी नहीं, फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है. ठीक है जी. तो क्लास में आराम आराम से काम करेंगे, आपको लिखने का पूरा मौका दिया जाएगा. किसी ने नोट डाउन तो नहीं करना ये? चलो, बुक के बैक में वैसे भी क्वेश्चन पेपर्स डाल दिए जाएंगे, डोंट वरी, वहां पे पेपर पैटर्न आ जाएगा. ओके. नाउ
इसी क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि अभी हमने वाइंड अप किया, मैं आपसे पूछूं कि कंपनी के हाथ में जो ये बस ट्रैवल एजेंसी है, इनके हाथ में रेवेन्यू कितना आया, इनके हाथ में रेवेन्यू कितना बचता है, एक बार बता सकते हैं? इज टोटल टेकिंग्स द रेवेन्यू फॉर द होल कंपनी, एक बार ये सोच के बताओ. नो, व्हाई नो? टैक्स एक ऐसी चीज है जो कि पैसेंजर से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को दे दिया, इनके हाथ तो नहीं बचा, तो इनके हाथ रेवेन्यू क्या होगा? जो ये कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट. ठीक है जी, ये क्लियर है आप सभी को? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि कॉस्ट कितना है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना हो तो क्या होगा? तो ये कॉस्ट है 2, 3, 4, 3, 4, 5, इसको डिवाइड कर देंगे पैसेंजर किलोमीटर से. एक बारी ना मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्वेश्चन नंबर वन, जो कि क्वेश्चन नंबर फोर सॉरी, जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. वहां पर अगर मैं आपसे पूछती, एक बार मेरे को क्वेश्चन नंबर फोर के फिगर्स बताना, मैं कहा एक बार अपनी कॉपी दिखा दीजिए, कमीशन कितनी थी उधर? 6389 ये टोटल कॉस्ट आया, 5435 9583 एंड 6388. हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर फोर की फिगर्स है. मैं अगर आपसे यहाँ पर पूछूं व्हाट इज कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? टोटल कॉस्ट रखेंगे, यानी कि 54305 रखेंगे. अब देखिए, कमीशन आप सभी को पता है ना क्या होती है, बस अगर हमको अपने बस के ड्राइवर या कंडक्टर को कमीशन देनी है, सभी को पता है, इज इट अ कॉस्ट टू कंपनी और नॉट? यस. तो हमको अगर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर पूछा जाए तो हम न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? 54305. बट कट टू क्वेश्चन नंबर सिक्स जो हमने आज किया, वहां पर कमीशन की जगह एक चीज क्या थी? पैसेंजर टैक्स. क्या पैसेंजर टैक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट टू कंपनी? नो. तो अगर क्वेश्चन आपसे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर पूछे, उसके बाहर ही रखिएगा पैसेंजर टैक्स को. बात समझ में आ गई है जी? ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया. अब मैं चाहूंगी सभी बच्चे मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे मेरे सामने ही. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर एट सभी बच्चे मुझे करके बताएंगे. क्वेश्चन नंबर एट, पहला ट्राई आप लोगों की तरफ से होगा. अब जो बच्चे नए आए हैं कोई बात नहीं, उनको मैं असिस्ट करूंगी, बट जिन बच्चों ने पिछली क्लास प्रॉपरली लगाई हुई है उनसे एक्सपेक्टेशन है वो खुद काम करेंगे. साइलेंट मोड में कृपया रीडिंग लीजिए क्वेश्चन नंबर एट की. हाँ जी, टोल टैक्स ही हो गया. रोड टैक्स एग्जैक्टली टोल टैक्स नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि टोल टैक्स इज समथिंग विच अगेन नंबर ऑफ जर्नीज पे भी डिपेंड करता है. रोड टैक्स आप अदर लोकल टैक्सेस कह सकते हैं, जैसे कि कोई स्टेट टैक्स या म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस या एंट्री टैक्सेस भी कई बार हमें देने पड़ते हैं. नॉट एग्जैक्टली टोल टैक्स आई वुड से, कि अदर टैक्सेस भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा. अगर एंट्री टैक्स है, अगर वही ना एंट्री टैक्स अलॉन्ग विद अदर टैक्सेस, बिकॉज अगर मैं इसको स्पेसिफिकली टोल टैक्स या एंट्री टैक्स बोल दूंगी तो कहीं ना कहीं वो वेरिएबल सेंस में बात चली जाती. या आप ऐसे भी समझ लीजिए, कई बार हम वो देते हैं ना मंथली पासिस, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ जर्नीज टेकन अप वो एक फिक्स्ड अमाउंट होती है उस सेंस में. बच्चे जो ये लास्ट लाइन में प्रॉफिट लिखा है, देखिए ये ऐसे है. ठीक है, सभी ने क्वेश्चन रीड कर लिया. नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन? बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर. इसके लिए हमको पहले क्या वर्किंग करनी पड़ेगी? पैसेंजर किलोमीटर निकालने एंड फॉर द पर्पस ऑफ डीजल कैलकुलेशन डिस्टेंस ट्रैवल. एक बारी कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए.
आप मंथ के लिए कर रहे हैं ना? ठीक है, 30,000 आना चाहिए। सेकंड 80% तो पैसिव है ना, वो नहीं करना। देखिए ऐसा है, मेरे पास ऑलरेडी इसका सोल्यूशन है, आपके सामने स्क्रीन पर भी आ गया है, बट वो सोल्यूशन डन है एनुअल बेसिस पर। हमारी मर्जी हो सकती है हम एनुअल बेसिस पे काम करें या मंथली पर। आप अगर मंथली काम कर रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल का आंसर 30,000 किलोमीटर आना चाहिए। अगर आप मंथली बेसिस पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे ना देखो, मन में आए तो एक शॉर्टकट लगा सकते हैं कि 30,000 तो हमारे किलोमीटर्स हो गए, इनटू पैसेंजर्स करना है, पैसेंजर्स कितने हैं 40 इनटू 80%। बट आई वुड इंसिस्ट ये शॉर्टकट ना लगाया जाए, वो डिटेल्स लिखी जाए। वो डिटेल्स क्यों लिखी जाए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कई बार क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं, बसेस रिटर्न एम्प्टी ऑनवर्ड या लकी अलग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो वो शॉर्टकट ना ही लगाए तो ठीक रहेगा। हाँ जी, मंथली पैसेंजर किलोमीटर 9,60,000। चलिए अब जो बच्चे आज पहली बार क्लास लगा रहे हैं, एक बार देख लीजिए, सभी के पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया 30,000। yes, आ गया। पैसेंजर किलोमीटर में क्या करना है, वही किलोमीटर तो लेने हैं, उनको पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर देना है। पैसेंजर्स कितने हैं हमारे पास, 40 पैसेंजर्स हैं, बट कहीं ना कहीं बताया गया ऊपर कि 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ही है, तो 40 × 80 कर दीजिएगा। नहीं करके बता दो, नहीं फिक्स्ड बट देखो वेरिएबल का यहाँ पर हम सेंस बनाते हैं कि एज द किलोमीटर रन विल इंक्रीज, कंडक्टर की वेजेस अगर उस हिसाब से इंक्रीज हो रही है तो वेरिएबल उस सेंस में, वो दिखाई नहीं दे रहा। आपकी बात ठीक है कि सैलरीज इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी अ फिक्स्ड फिगर एंड वेजेस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरिएबल फिगर, बट यहाँ पे बस के चलने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिक्स्ड है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रूम टैक्स से हाँ जी 1667 कर लीजिए, सेमी वेरिएबल मेंटेनेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस फिक्स में चला जाएगा। इंश्योरेंस फिक्स्ड है, फिक्स्ड रोड टैक्स डिवाइड कर दिया आपने, क्वार्टर तो 4 होते हैं ना, हमने मंथली करना है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 5,000/3 होगा। फिर देखो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं,
हाँ जी हाँ जी, बिकॉज फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा वेरिएबल कॉस्ट वगैरह साइड में रहेगी, पता चलना चाहिए कि कौन से खर्चे हैं, वो तो होने ही होने हैं, इवन इफ बस चलनी भी बंद हो जाए तो भी फिक्स अमाउंट तो होनी ही होनी है अंकल, तो वो पता होना चाहिए. ऑफिस एक्सपेंसेस फिक्स्ड. रोड टैक्स या तो आप 5000 इंटू 4/12 करोगे या 5000 डिवाइडेड बाय 3 सिंपल, कि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं. क्या चीज? इंश्योरेंस. इंश्योरेंस क्या चीज? नहीं, यहाँ पर 3% ऑफ कॉस्ट है एंड कॉस्ट ऑफ ईच बस इज 6,50,000. तो व्हाट यू विल डू इज 3% इनटू 650 इंटू 3, सॉरी कितनी बसेस है? 5 बसेस है ना, डिवाइड बाय 12, क्योंकि हाँ अगर हम मंथली काम करते हाँ जी, टोटल कॉस्ट 2,592,900. आपने मेरे को फिगर बताई है टोटल कॉस्ट की, कितनी बताया दोबारा से बताना. 2,592,900. मैं चेक कर लेती हूँ. Depreciation is also dependent on cost of bus. मैं कर रही हूँ सारी फिगर्स, मैं लिख रही हूँ, डोंट वरी. हाँ जी बच्चे, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी साइलेंट, मैं सुन नहीं पा रही हूँ. हाँ जी बेटा बोलो. मैम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट? वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट ये लो, मंथली बेसिस पर ये अमाउंट है. साइलेंस प्लीज. एक बारी मेरे साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट में सारी वैल्यूज मैच करेंगे. चेक कीजिए, गैराज रेंट 4,000, सैलरी ऑफ ड्राइवर 15,000, वेजेस ऑफ कंडक्टर 6,000, मैनेजर सैलरी 7,500, रोड टैक्स 1,667, ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000, डेप्रिसिएशन 40625,
इंश्योरेंस 8125, हेंस फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल आता है 84917. किसी को फिक्स्ड कॉस्ट की हेडिंग में कोई परेशानी? हाँ जी बताइए. डेप्रिसिएशन आपने कैसे ली मेघावी? बट 6,50,000 इज द कॉस्ट ऑफ वन बस. हम ये पूरा क्वेश्चन 5 बसेस के लिए कर रहे हैं. हाँ जी बच्चे कोई दिक्कत? डीजल कॉस्ट 1,65,000 आ रही है. ठीक है जी, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जानी चाहिए 259,292. किसी के पास ये टोटल कॉस्ट की फिगर अगर नहीं आई है तो बता दीजिए. अभी प्रॉफिट छोड़ो, अभी मैं प्रॉफिट पर आती हूँ. पहले कॉस्ट पर कंफर्म कीजिए. जिनकी कॉस्ट मैच कर रही है वही आगे टेकिंग्स कलेक्शन पर चले. मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया तो था कि ये लिखने में ऐसा है, ऐसा है 33.5. प्रॉफिट इज 33.1/3. हाँ जी कुछ बताना है, डिस्कस करें. कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चे? टेकिंग्स. टेकिंग्स आ रही है 3,88,938 ऐसा कुछ बता. हाँ जी, आपके पास डिस्टेंस 30,000 निकला हुआ बेटा. डीजल के बारे में इन्होंने क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर इज 33 एंड किलोमीटर रन पर लीटर फॉर ईच बस, ये बस है, इज 6 किलोमीटर. ठीक है, तो एक लीटर में अगर 6 किलोमीटर निकल जाते हैं तो 30,000 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है. उसके लिए कितने लीटर्स रिक्वायर्ड होंगे ये आ गया. और एक लीटर की कॉस्ट कितनी है? 33,165,000 आ जाएगा प्रॉफिट. देखिए प्रॉफिट इज 1/3 ऑन टेकिंग्स. 33 1/3 को हम 1/3 भी बोल सकते हैं. सो कैन आई से इफ प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ टेकिंग्स, कॉस्ट इज 2/3 ऑफ टेकिंग्स, बोल सकते हैं? तो टेकिंग्स का आंसर कैसे निकाल सकते हैं आप लोग कि अगर कॉस्ट 259,292 अगर 2 है तो 3 क्या है? क्लियर है जी? इफ प्रॉफिट इज 1/3 मतलब कॉस्ट इज 2/3, तो अगर 2/3 वाली फिगर ये है तो प्रॉपर 3rd फिगर क्या है? अगर 2 ये है तो 3 क्या है? ये फिगर आपके पास आ जाएगी. हाँ जी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टेकिंग्स, राइट? मेरे पास यहाँ पर और कोई बीच में, जैसे पिछले क्वेश्चन में पैसेंजर टैक्स वगैरह था, यहाँ पर नहीं है. तो कॉस्ट इज 259,292. Profit is 1/3 of takings. So I have to figure out what takings is, what profit. So अब 1/3 है ना, आप इसको ऐसे ले लो, let takings to be 3. Profit is 1, तो cost कितना हो गया? 2. उस हिसाब से अगर cost 2 को represent करता है तो कौन सी वैल्यू 3 को represent करेगी? वो आ रही है हमारे पास 3,88,938. फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर का हांजी 0.40. आ गया? हाँ जी, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर 0.405. हाँ जी 0.405.
388 डिवाइड बाय पैसेंजर किलोमीटर कितने थे हमारे पास 960.405. इन्होंने फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर ही पूछी, बाकी सेवा में चाहते हो तो बता दो कि एक पैसेंजर से पूरी जर्नी कितने किलोमीटर की है वन वे 40. तो एक पैसेंजर से कितने की टिकट काटनी है वो तकरीबन 16 रुपीज आ रहा है. करना चाहते हो कर सकते हो, बट जो क्वेश्चन की वर्डिंग्स है, क्वेश्चन की वर्डिंग्स पर चाहिए जो रिक्वायरमेंट है, बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर, एक पैसेंजर से एक किलोमीटर का फेयर कितना चार्ज करना है, उसी को तो हम फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर बोलते हैं, है ना. अब बताइए छुटपुट कोई बात इस क्वेश्चन में. बहुत सारे डाउट्स थे आपके, बट आई होप साथ के साथ रिजॉल्व हो गए हैं. कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन का कोई लेकर डाउट, एनीथिंग? क्लोज कर सकते हैं क्वेश्चन. अच्छा बेटा, आप लोगों के होमवर्क करने की श्रद्धा भावना कैसी है? अच्छी है, एवरेज. क्योंकि हमारी जो क्लासेस है एक एक दिन के गैप पर लग रही हैं, तो तीन क्वेश्चंस लेके जाओगे होमवर्क में, एक जैसे क्वेश्चन है, और इससे ना आइडिया भी लग जाएगा कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया तो मेरी तरफ से रफा दफा होगी बात, जी नहीं. अगली क्लास में प्रॉपर डिस्कशन, कोई डाउट्स वगैरह है प्रॉपरली टेकअप किए जाएंगे. मीनवाइल कई बार ऐसा होता है ना कि अगली क्लास है दो दिन बाद, मतलब सैटरडे को परसों, तो बीच में ना क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक अप कर जाते हैं कि यार चैन नहीं है हमें पड़ेगा जब तक हमारा डाउट रिजॉल्व ना हो जाए. यू कैन फील फ्री टू ड्रॉप मी योर व्हाट्सएप मैसेज एनी टाइम कि मैम इस क्वेश्चन में ये डाउट है, ये फिक्स में जाएगा, ये वेरिएबल में जाएगा, सेमी वेरिएबल में जाएगा, आप ही बता दो, अभी बता दो मैम, वेट नहीं कर सकते क्लास का हम. तो आई विल बी देयर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स. होमवर्क में लेकर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10. बाय द वे क्वेश्चन नंबर 10 में एक बारी रिक्वायरमेंट जो लास्ट लाइन में गिवन है एक बारी रीड करना. प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑन एनुअल बेसिस. मर्जी इसमें हमारी नहीं है, एनुअल बेसिस पे काम करना है, यानी कि वर्किंग नोट्स बनेंगे डिस्टेंस और पैसेंजर किलोमीटर का, वो भी एनुअली कैलकुलेट करना है, और उसके बाद कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर भी बताना है, और वन वे फेयर पर पैसेंजर. बाय द वे यहाँ पर वन वे डिस्टेंस कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में कहना होगा 30 किलोमीटर. तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर निकालोगे, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, कोई नहीं, ये वाला स्टेप भी हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली. एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 12. ये तीन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट वही चला आ रहा है जो कि हमारे इन दो क्वेश्चंस में था. टेक योर ओन टाइम, डाउट्स आपके साथ रिजॉल्व कीजिए, और अगर डाउट नेक्स्ट क्लास में भी रहेंगे वो भी हम टेकअप करेंगे. स्टिल हैविंग सेड दैट, आप लोगों के पास इन तीनों का सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है. 11th क्या इजी है? कोई नहीं, हम क्लास में कर लेंगे. स्टेशनरी इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. देखो ऑफिस की स्टेशनरी वगैरह, जो बस एजेंसी है उसका छोटा सा ऑफिस होगा. आप स्टेशनरी को कैसे समझ रहे हैं? टिकट भी होगा, बट दैट इज नॉट द ओनली स्टेशनरी कॉस्ट दैट अ बस एजेंसी हैज टू इनकर. एक बस ऑपरेटर को और भी अलग तरीके की स्टेशनरी पड़ सकती है. तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि जितने ज्यादा बस किलोमीटर दौड़ेगी उतनी ज्यादा उसको स्टेशनरी कॉस्ट पड़ जाएगी. एक बारी सोच के देखो, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का मतलब आप किलोमीटर रन के हिसाब से सोच के देखो. ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? हाँ जी, हाँ जी. एक बहुत अच्छा डाउट है कि एक वर्ड है जी हमारे पास फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर. कई बार तो क्वेश्चन ये पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है वन वे फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम पैसेंजर या सिंपली फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम पैसेंजर, फर्क क्या है?
एग्जैक्टली ये क्या चीज है, एक पैसेंजर से एक किलोमीटर का, ये है एक पैसेंजर से जितना भी रूट है हमारा वन वे डिस्टेंस है, मान लीजिए ये 30 किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे, जो भी ये फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर आया हुआ है इसको जो वन वे डिस्टेंस है 30 उससे मल्टीप्लाई करते, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट्स में भी ये हो गया, एनीथिंग एल्स डन है जी, क्लोज कर सकते हैं आज की क्लास, राइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।